नमस्कार साथियों, जीके जीएस के सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। पहला प्रश्न देखते हैं, अरावली और विंध्य पर्वत माला के बीच कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? यह जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है दंडकारण्य क्षेत्र। भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबा है? गुजरात का सबसे लंबा है। और कितने राज्य है? 9 तटीय राज्य। सर्वाधिक तटीय अपरदन किससे होता है? लहरों से। तटीय मतलब समुद्र के किनारे वाला या किनारे का एरिया को तट बोलते हैं, या नदी के किनारे के एरिया को तट बोलते हैं। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? बैरन द्वीप जो है ज्वालामुखी के उद्गम से बना है, ज्वालामुखी के उठने से बनने से बना है भारत का। राम सेतु कहाँ से शुरू होता है? ये धनुषकोटि से शुरू होता है। राम सेतु जो है श्रीलंका जाने के लिए जो रास्ता है वो कहाँ से शुरू होता है? धनुषकोटि से शुरू होता है। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? यह कच्छ के रण में स्थित है। यह भारत कोरी क्रीक क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच का गुजरात में दलदल स्थल है, दलदल स्थल है, उसी को कोरी क्रीक बोलते हैं। और यह कहाँ है? भारत और पाकिस्तान के बीच का एरिया है, और कहाँ है? गुजरात, गुजरात के पास में है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का एक बड़ा नगर कौन सा है? यह मुंबई जो है एक द्वीप पर स्थित है, ये भारत का सबसे बड़ा नगर है, नगर भी है। भारत का कौन सा जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है? संथाल जनजाति जो है ये क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? यह जो है गोंड जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत का सबसे आद्य जनजाति कौन सी है, मतलब सबसे पुराना जनजाति कौन सी है? यह जरावा है। और यह कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर यह जो है जनजाति पाया जाता है, जरावा जनजाति, या सबसे पुरानी जनजाति है। भारत की कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से बह करके बहती है? भ्रंश घाटी भी पूछते हैं, भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी, तो यह क्या है? नर्मदा नदी जो है रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से बहती है। दक्षिण भारत की नदियाँ कौन सा अपवाह तंत्र बनाती है? यह वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक नदी से पानी आता है। दोस्तों चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर है? यह जो है शरावती नदी पर है। शरावती नदी कर्नाटक में बहती है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। यह कौन से राज्य में है ये भी पूछता है, तो राजस्थान में है। क्वेश्चन को घुमा के भी कई पूछा जाता है, चिल्का झील कहाँ? राजस्थान में। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन सा है? नवंबर दिसंबर महीने में वहाँ पर बारिश होती है। और भारत के निचले हिस्से में तमिलनाडु है, सबसे निचले हिस्से में, इसको थोड़ा सा देखें, सबसे यहाँ पर तमिलनाडु है। और जब बारिश आता है यूरोप से तो यहाँ से मानसून आकर के फिर यहाँ मेघालय में टकराता है, फिर ऐसे जाता है, तो ये निचले हिस्से में बारिश करता है। ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में होता है, और इसे लौटता मानसून भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून फिर कहने का क्या मतलब है? ये दक्षिण पश्चिम भारत के यहाँ से दक्षिण पश्चिम से यह जो है इंटर करता है, ये हुआ दक्षिण नीचे का एरिया, ये हुआ पश्चिम, इसके बीच के एरिया को दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। चेरापूंजी किस पहाड़ी में है? यह मेघालय में जो है। और राज्य कौन सा? मेघालय, खासी पहाड़ी में है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा किस मानसून से होता है? उत्तर पूर्वी मानसून से। यह पूछेगा तो उत्तर पूर्वी ऊपर से क्या है, उत्तर पूर्व से होके आता है।
देश के आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है, किया जा रहा है लातूर महाराष्ट्र में किया जा रहा है आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना। लावा मिट्टी किस पठार में पाया जाता है, यह मालवा पठार में पाया जाता है लावा मिट्टी। भारत का सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सा है, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भारत में है, सबसे उपजाऊ मिट्टी। भारतीय मिट्टी में किस चीज़ की सर्वाधिक कमी है, वह है जस्ता, जिंक की कमी बहुत ज़्यादा है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है, यह हरिके बैराज इसका उद्गम स्थल है। हरियाली योजना का संबंध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल प्रबंधन से है, हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है, यह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और महाराष्ट्र भी ऐड हो जाता है, कई भी तीन ऑप्शन देगा तो, कर्नाटक तमिलनाडु के बीच में और महाराष्ट्र के बीच में है। चंबल नदी कौन पर कौन सा बांध स्थित है, यह गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध किस नदी पर है, यह जो अलमाटी बांध जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर है। ये थे आज के जीके जीएस के टॉप प्रश्न जो वन डे और पीसी दोनों में आते हैं। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। आपको मैथ रीजनिंग साइंस के वीडियो देखना है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।